Assalamualaikum, this is your boy Ghufran with the new games and another video. तो गाइस इस वीडियो में तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ और किस बारे में नहीं। तो गाइस इस टाइप की वीडियो मेरे चैनल पे पहली है। तो गाइस तुम्हें पता है मैं इस वीडियो में तुम्हें शूज के रिव्यू देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उसकी आउटलाइन दे दूँ तो वो क्या है क्या नहीं। तो गाइस बेसिकली जिस शूज के बारे में मैं तुम्हें रिव्यू देने वाला हूँ, ये बेसिकली डिजाइन किया है एडिडास ने, लेकिन आउटफिटर ने मेरे ख्याल से उस डिज़ाइन को कॉपी किया है या कुछ ऐसे, और अच्छी क्वालिटी में अपने ब्रांड का नाम लगा के उन्होंने सेल कर रहे हैं इस डिज़ाइन में। तो गाइस बेसिकली ये शूज़ वैसे बहुत अच्छा है, और मैं बेसिकली आउटफिटर गया था तो मुझे इसमें बहुत अट्रैक्शन लगी, मुझे इसने अट्रैक्ट किया और मैंने उसको ऑन द स्पॉट बाय कर लिया। तो चलते हैं और रिव्यू देखते हैं इसका क्या है और क्या नहीं, वो शोर को इग्नोर करो। तो गाइस बेसिकली ये शूज़ हैं, रेड कलर के शूज़ हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये तुम देख सकते हो शूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये बिल्कुल एडिडास जैसे शूज़ हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो ये रे, ये देखो ये शूज़ तुम देख सकते हो इजीली। तो इसका मैं तुम्हें करीब से रिव्यू देता हूँ। तो गाइस बेसिकली जो सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छी चीज़ मैं देखता हूँ हर शूज़ के अंदर, वो ये देखता हूँ कि उसकी स्टिचिंग नज़र ना आ रही हो, यानी स्टिचिंग से मुराद के उसके धागे से सिला हुआ या कहीं से कुछ ऐसा सीन नज़र ना आ रहा हो। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, तुम देख सकते हो सारी साइड, तुम देखो कहीं पे भी स्टिचिंग नहीं हुई हुई, सिला हुआ धागा नज़र नहीं आ रहा। गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं यही देखता हूँ हर शूज़ के अंदर, और बेसिकली ये स्लिप होने से भी बचाएगा, इसकी ग्रिप तुम देख सकते हो कितनी आला है, पानी में भी बचाएगा, ग्रिप रखेगा अपनी उधर। और ये लेसेस शूज़ है, तुम देख सकते हो थोड़ा सा नेट टाइप कपड़ा टाइप है इसके ऊपर, सही है, ये तुम देख सकते हो इजीली बेहतरीन है। इसके अंदर ये सोल आउटफिटर का तुम देख सकते हो सोल है, और ये बेसिकली बहुत कंफर्टेबल है, जिसके पीछे पाँव में थोड़ा सा दर्द वर्द होता है क्योंकि अक्सर झटके लगते हैं चलते वलते कुछ होता है, तो इसलिए बहुत कंफर्टेबल है उसके पीछे कंफर्टेबल। और बेसिकली गाइस ये बहुत कंफर्टेबल शूज़ है, अंदर इसके सोल है, और ये मैंने 44 मेरा शायद ये साइज़ है, एक सेकंड में तुम्हें बताता हूँ, हाँ 44 है क्योंकि मेरा पाँव बड़ा है तो इसलिए 44 है। और बेसिकली ये गाइस बहुत अच्छा है, और सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताऊं तो इसमें मेरा पाँव बिल्कुल भी फंसता नहीं है, अगर मैं लेसेस के बिना पहनता हूँ तो थोड़ा सा ढीला, लेसेस टाइट कर देता हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट कंफर्टेबल है, कोई ना अंगूठे में दर्द है ना कुछ ना कुछ। तुम जैसे कि देख सकते हो दोनों शूज़ देख सकते हो बहुत अच्छे हैं, ये तुम देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हैं शूज़। तो गाइस सबसे पहली बात तुम्हें ये बताऊं, अगर तुम्हें शूज़ लेना है तुम आउटफिटर से जाके इजीली बाय कर सकते हो, अभी भी सेल लगी हुई है अप टू 50%। और बेसिकली ये जो मैंने बाय करे थे 2390, यानी 2400 रुपये का ये मैंने बाय किए थे, और एक्चुअल प्राइस है 3500 रुपये। तो गाइस इस पर अप टू 50% ऑफ थी, तो मैंने इसको ऑन द स्पॉट बाय कर लिया, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे, तुम देख सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात बताऊँ जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, जो इसके ऊपर नेट कवर है, ये ऊपर देख सकते हो तुम, जो इसके ऊपर कपड़ा है ये नेट का करीब से देख सकते हो, और ये बहुत अच्छा है, इस पर हाथ फेरोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। गाइस साइड में देखो छोटे छोटे इसमें होल्स टाइप इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है, और ये तुम देख सकते हो पीछे से इस पर थोड़ा सा मैट टाइप रेड कलर का, और पीछे से भी ऐसा ही है, सही है होल्स इस पर, क्योंकि ये आउटफिटर का अपना शूज़ है तो मैं इसको कॉपी नहीं कहूँगा, ये मैं इसको यही कहूँगा कि ये आउटफिटर का अपना शूज़ है, किसी की कॉपी नहीं हुआ या सेकंड थर्ड कॉपी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये मैं तुम्हें प्रीफेयर करूँगा अगर तुम्हारा लो बजट है, और अगर तुम्हें अच्छा शूज़ बाय करना है और इस टाइप के शूज़ बाय करने, तो तुम डेफिनेटली इस शूज़ के साथ जा सकते हो, और ये तुम बाय कर सकते हो आउटफिटर का, किसी भी आप जाओ किसी भी उसकी आउटलेट पे तो तुम इजीली बाय कर सकते हो इस शूज़ को। ये रेड कलर में ही मैंने देखे थे, शायद ब्लैक और कलर में नहीं थे, लेकिन मुझे रेड में ही अच्छे लगे तो इसलिए मैंने रेड में बाय कर लिए। तो यस,
तो गाइस थोड़ी सी तुम्हें इस शूज़ के बारे में मैं बात बता दूं कि गाइस जो ये शूज़ हैं, अगर तुम अडिडास के ओरिजिनल बाय करोगे तो ये 15,000 से लेकर 20,000 25,000 तक के तुम्हें पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम अडिडास की इसमें फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी लोगे वो तुम्हें 3,500 5,000 1,500 थर्ड कॉपी या सेकंड कॉपी तुम्हें मिल सकते हैं, लाइट हाउस वगैरह इन जगहों से इजीली मिल सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहली तुम्हें एक बात बताऊँ, लाइट हाउस पर मैं एक वीडियो करूँगा जिस पर तुम्हें मैं बताऊँगा कौन से शूज़ क्या चीज़ें किसकी कॉपी है, नाइकी एडिडास और दूसरे शूज़ यीज़ीज़, इन सब के बारे में बताऊँगा। लेकिन गाइस तुम्हें एक सबसे पहली अच्छी बात बताऊँ, अगर गाइस तुम्हें सीरियसली ये शूज़ बाय करने तो गाइस तुम आउटफिटर की आउटलेट पर जा सकते हो और ईजीली बाय कर सकते हो, वहाँ से कहीं भी जाओ कोई भी मॉल की आउटफिटर जहाँ पर भी है तुम वहाँ से बाय कर लो, उन पर ये पीस अवेलेबल होगा क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आया, तो गाइस तुम लिटरली जाओ और बाय कर सकते हो। और शायद मैं भी अभी और कलर आ गए हूँ क्योंकि मुझे तो रेड अच्छा लगा था और मुझे रेड ही लेना था, तो इसलिए मैं रेड लिया क्योंकि मुझे अट्रैक्टिव कलर अच्छे लगते हैं और डार्क कलर जैसे कि ये। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी कर दो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और शेयर भी कर दो। सो गाइस यही था वीडियो में, इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो होप यू विल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ब्रो, आई विल टच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय ब्रो, आई लव यू।